मेरी तरफ देखो देव, आगे खोल। देव, देव मेरी तरफ देखो देव, मैं आ गई। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें देव। वृंदा, I'm sorry। नहीं देव, नहीं। सिर्फ बहुत बड़ी गलती हुई। नहीं देव, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। तुमने भरोसा नहीं किया। नहीं देव। इसलिए शायद ऐसा हो रहा है मेरे साथ। नहीं। देव कुछ नहीं होगा तुम्हें, मेरी तरफ देखो देव। वृंदा, बस इतना याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार किया। मैंने हमेशा। देव, देव, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं बोलूँ, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है वृंदा, ये जानने के बाद भी कि तुम एक नागिन हो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, हमेशा करता रहूंगा, हमेशा। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे दे, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। देव, 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 देखो मेरी तरफ, देखो, देखो, देव, मैं हूँ, देव, देव, आगे खोलो, देव, 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 आगे खोलो, देव। वृंदा, घबराओ मत, इस रहस्यमय मंदिर का राज इसके प्राण वापस ला सकता है। हाँ, इस मंदिर का राज इसे फिर से जिंदा कर सकता है। कैसा राज? कौन सा राज? क्या राज है वो? कैसे जानू मैं उसको? कौन बताएगा मुझे? वृंदा, जैसे तुमने देखा कि हम दोनों इन दो स्तंभों से आए हैं, और ये स्तंभ जो गिरा हुआ है, ये तुम्हारे सवालों का जवाब है। वो एक ही है जो तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकती है, वो हर राज जानती है। हाँ वृंदा, ये कोई मामूली मंदिर नहीं है। यहाँ पर एक वक्त पे एक बहुत बड़ा इतिहास रचा गया था। कैसा इतिहास? वो जानने के लिए तो ये सब तस्वीरें इंतजार कर रही हैं। लेकिन वो राज सिर्फ वही बता सकती, सिर्फ एक, और उसे बुलाने का अधिकार सिर्फ भगवान शंकर को है, कालों के काल महाकाल को है। पर वो एक है कौन? मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि नागलोक में शेष नागिन से ऊपर होती है नागरानी, और नागरानी से भी ऊपर होती है सबसे बड़ी, सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन। पर हम उन्हें बुलाएंगे कैसे? भगवान शिव को बुलाकर, क्योंकि वही है जो उस आदि नागिन को बुला सकते हैं। और आज की ही रात उन्हें आना होगा, वो जरूर आएंगे। मैं तुम तीनों से अति प्रसन्न हूं। यद्यपि मुझे आभास है कि तुम तीनों की क्या इच्छा है, किंतु ये मंदिर यूं ही रहस्य में नहीं कहलाता। ये उस यक्ष प्रश्न के समान है जिसका उत्तर हर किसी के पास नहीं है। आज से पूर्व ये मंदिर सदियों तक विलुप्त क्यों था, ये भी तुम्हें मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि वो बताएगी जिसे इस मंदिर से श्राप मिला था, जिसे आज पूरे 10,000 दिव्य वर्ष बाद मैं श्राप मुक्त कर रहा हूं। अब वह चाहे तो अपनी स्वेच्छा से तुम सबके समक्ष आ सकती है, एवं 10,000 दिव्य वर्ष पूर्व अपनी संपूर्ण कहानी सुना सकती है। किंतु ऐसा करने से पूर्व सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन ये जान ले कि यदि वह तुमको अपनी आपबीती भी सुनाती है एवं इस लड़के के प्राण बचाने का निर्णय लेती है, तो उसका भूतकाल उसका वर्तमान बन जाएगा,
इतिहास खुद को पुनः दोहराएगा। शिव जी, तुम्हें वापस आके अपनी कहानी सुनाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो इतिहास को दोहराए जाने से स्वयं मैं भी नहीं रोक पाऊंगा, तथा जो सब कुछ सहना होगा जो तुमने 10,000 दिव्य वर्ष पूर्व सहा। समझ गई, पर अगर मैं इस नागिन को अपनी पूरी कहानी सुनाती हूँ तो क्या इसके प्यार को जीवनदान मिल जाएगा? तथास्तु। आंखें खोलो देव, देव, देव उठो। यही ये क्यों नहीं उठ रहा है? ये जिंदा क्यों नहीं हो रहा? वृंदा, इसके प्राण लौटेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें अपनी कहानी सुनानी होगी, तभी इस मंदिर की खोई हुई शक्तियां वापस लौट आएंगी, और फिर इस मंदिर को वरदान है कि ये किसी भी मृत को जीवन दान दे सकता है। जानती हूँ नागलोक तुम दोनों को वापस बुला रहा है ना, पर तुम दोनों उस वक्त आए जिस वक्त इसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब तुम दोनों वापस लौट सकती हो। सब ठीक हो जाएगा वृंदा, भरोसा रखो। और ये तुम याद रखना कि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अब मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ वृंदा, इस रहस्यमय तिलिस्मय मंदिर का राज, सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन का राज। वो कौन थे जिनकी वजह से मैंने 10,000 दिव्य वर्षों से भी ज्यादा श्राप और वनवास भोगा? वो कौन थे जिनकी वजह से मैं अपने नाग से अलग हुई? वो कौन थे जिनकी वजह से ये विशाल शिव स्वयंभू शिव मंदिर तहस नहस हो गया, जब शिव जी ने हमें ये वरदान भी नहीं दिया था कि हम नाग नागिन इंसानों का रूप ले सकते हैं? ये कहानी 10,000 दिव्य वर्ष पहले की है। किरदार कौन था जिसने मेरी किस्मत का लिखा बदल दिया, इस नागिन को मजबूर कर दिया?